बेटा हमारा यहाँ पे चैप्टर जो चल रहा है वो चल रहा है यहाँ पे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। अब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर अगर हम बात करते हैं तो लास्ट क्लास में हमने इसमें सिर्फ एक ही चीज सीखी थी, जिसके अंदर हमने सीखा था कि जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है, तो मैं एक एग्जाम्पल दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ आप सबके लिए। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि मान लो ए और बी दो पार्टनर्स हैं और दोनों की जो शेयर है वो क्या है, 1:1, यानी इक्वली शेयर करते हैं बेटा ये, और इनके पास जो प्रॉफिट आया है वो है यहाँ पे 60,000 का। तो अगर इस 60,000 को इक्वली इन दोनों के बीच में बांटता हूँ तो इसके पास भी 30,000 आएंगे और इसके पास भी 30,000 रुपये आएंगे, ठीक है। एडमिशन का मतलब होता है कि जितने पार्टनर्स हमारे पास ऑलरेडी हैं उसके अंदर हमने एक पार्टनर को और क्या कर लिया, ऐड कर लिया। अब इनका शेयर भी कितना है बेटा यहाँ पे, 1:1:1 है। प्रॉफिट अभी भी मेरे पास कितना है, 60,000 ही है। लेकिन अब जब मैं इस 60,000 को इक्वली बांटूंगा तीनों के बीच में तो कितना बटेगा बेटा ये, 20,000 और, ठीक है। तो इसका मतलब क्या समझ आया कि जब एक पार्टनर नया एडमिट होगा तो पुराने पार्टनर को क्या करना पड़ेगा बेटा, अपना शेयर किसको देना पड़ेगा, नए पार्टनर को। यानी पुराना पार्टनर जो करेगा उसे बोला जाएगा यहाँ पे सेक्रीफाइस, और नए पार्टनर के पास जो शेयर निकल के आएगा इसे बोला जाएगा यहाँ पे गेन करना। क्या करेंगे, गेन बोलेंगे, ठीक है। अब ध्यान से और सुनो इसी को, अगर मैं आगे और ले जाऊं, अब मैंने बेटा ए रेशो, बी रेशो, सी रेशो, डी, अब तीन की जगह कितने पार्टनर कर दिए बच्चे, यहाँ चार कर दिए। अब इनका शेयर अभी भी इतना ही है, 60,000 ही है यहाँ पे। तो अब इनके हिस्से में कितना कितना आया, 15,000 और अब तो समझ आ गया होगा कि नए पार्टनर के होने से क्या होता है, जब भी नया पार्टनर आएगा तो पुराने पार्टनर का हिस्सा कम हो जाएगा, यानी वो सेक्रीफाइस करेगा और नए पार्टनर के पास चला जाएगा, तो वो क्या करेगा उस कंडीशन में, गेन करेगा, ठीक है। ये हमारा लॉजिक है इस टॉपिक के पीछे, एडमिशन ऑफ पार्टनर के। आज का जो क्लास है आपका उसके अंदर बेटा हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे ही क्या, यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। देखिए बच्चे इधर, अब ध्यान से यहां पे सिर्फ अब देखते रहेंगे, लिखेगा कोई नहीं बच्चे, यहां पे समझेंगे जो जो मैं करा रहा हूं आपको। ध्यान से इधर देखिए, क्वेश्चन में ये क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 कि ए रेशो बी 3:1 में ये पार्टनर है, सी को इन्होंने एडमिट किया है बच्चे कितने के लिए, 1/8 शेयर के लिए, ठीक है। अब यहां पे देखिए बच्चे क्या होगा इसके अंदर, इधर देखिए बेटा, सबसे पहले इसके अंदर देखो ये जो रेशो गिवन है, ये वाली जो मैं ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, इसको बोला जाता है क्या, ओल्ड रेशो बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हम, ओल्ड रेशो, जो हमें पहले से क्वेश्चन में ही गिवन है। अब हुआ क्या कि जब नया पार्टनर आया इसके अंदर तो हमारी रेशो में क्या आएगा, कुछ ना कुछ चेंज आएगा, ठीक है। अब ये केस क्या है कि इसमें ये नहीं बता रखा, सिंपल ये कह रखा है कि सी जो हमारे पास आया वो 1/8 शेयर के लिए आया है। बेटा जिस तरीके से परसेंटेज का सम कितना होता है 100, सर्कल का टोटल कितना होता है 360 डिग्री, उसी तरीके से रेशो का जो सम होता है वो क्या होता है, 1 होता है। जितनी भी रेशोज होती है उनका सम कितना होता है बेटा, 1 होता है। तो अब हमने यहाँ पे क्या एज्यूम किया, लेट टोटल शेयर इज इक्वल्स टू 1, हमने मान लिया टोटल रेशो कितनी है हमारे पास, 1 है, उसमें से सी का शेयर 1/8, ठीक है। तो बेटा टोटल 1 है, ये जो टोटल 1 है ये किस किस का होगा बेटा, ए प्लस बी प्लस सी, भाई तीनों का रेशो का सम कितना आएगा, 1 आएगा। अगर मैं इसमें से इस सी की रेशो को घटा दूं तो किसकी बच जाएगी बेटा, मेरे पास ए और बी की बच जाएगी। तो अब यहां पे हम लिखते हैं रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी इज इक्वल्स टू 1 - 1/8, 8 - 1 7/8।
इधर देख लो बेटा कितना हो गया बेटा यहाँ पे 7/8। अब ये किसका बचा है बेटा हिस्सा, ध्यान से देखते जाओ अभी इसको, ए और बी का, किसका हिस्सा बचा है ये, ए और, तो इसको किसके बीच में बांट दो बेटा, ए और बी में बांट दो, एस न्यू शेयर। देखो बेटा कितना है 7/8, ए की रेशो कितनी है बेटा यहाँ देखो 3/4, तो यहाँ पे आप इसको कर दो क्या 3/4, 21/30। ऐसे ही बेटा फिर किसकी शेयर निकाल लो आप, बी इज न्यू शेयर बेटा 7/8 दोनों का था ना, उसमें से बी का हिस्सा कितना है बेटा 1/8, तो कितना आ गया बेटा यहाँ पे 7/8। ठीक है, सी का शेयर कितना है बेटा यहाँ पे 1/8। बेटा रेशो का एक रूल होता है कि जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर कौन सा होता है नीचे वाला, उसको हमेशा क्या रखना होता है हमें सेम, यहाँ पे कितना है 32, यहाँ पे भी कितना है 32, तो मुझे यहाँ पे भी 32 लाना है, तो 8 की मल्टीप्लाई किससे करूँ 32 आए 4 से, तो बेटा यहाँ आप 4 से ऊपर नीचे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4/32। तो अगर मैं अब आपसे पूछूं कि न्यू रेशो कितनी आई, तो बेटा न्यू रेशो हो गई आपकी देखो 21:7:4, 21:7:, चेक करने का तरीका मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, 21+7 कितने होंगे बेटा 28, 28+4 कितने होंगे 32। मैंने क्या बोला था, सबका सम करके अगर नीचे वाला डिनोमिनेटर आ जाता है 32, तो यानी आपका आंसर क्या है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रेशो का सम कितना निकल के आएगा हमेशा 1 निकल के आएगा। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए आगे का केस बेटा, अब हमें इस क्वेश्चन में निकालनी है क्या, या तो सेक्रीफाइजिंग रेशो या फिर बेटा फॉर्मूला होता है इसमें ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो, अगर आपका आंसर पॉजिटिव आता है या अगर आपका आंसर नेगेटिव आता है। अगर पॉजिटिव आता है तो इसको बोला जाता है सेक्रीफाइस, और नेगेटिव आता है तो इसको क्या बोला जाता है गेन। अब ध्यान से देखना बस यहाँ पे अभी आप, ए फॉर्मूला क्या बताया बेटा मैंने, ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो कितनी है ए की 3/4, कितनी है 3/4, उसकी न्यू रेशो कितनी आई है बेटा यहाँ पे 21/32, एलसीएम लोगे तो यहाँ पे आएगा 32, 4 की मल्टीप्लाई 8 से करी 24, कितना आ गया बेटा 3/4। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बी का भी निकाले यहाँ पे, अब आप यहाँ पे देखो बच्चे, यहाँ पे ये जो आंसर आया ये पॉजिटिव में आया नेगेटिव में आया, तो पॉजिटिव में आया तो क्या कहलाएगा बेटा, ये सेक्रीफाइस कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, अब बी का अगर करते हैं तो ओल्ड रेशो कितनी थी 1/4 माइनस न्यू रेशो कितनी है 7/8, यहाँ पे हो गया बेटा ये 32, 8-7 1/32, तो ये भी क्या कर रहा है बेटा एक तरीके से सेक्रीफाइस कर रहा है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की सेक्रीफाइसिंग रेशो निकलता है लिखता हूं यहाँ पे, तो वो कितनी आ गई 3:1। ठीक है,